सर, हम सभी आए दिन की फालतू कॉल्स से परेशान रहते हैं। आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, वो फोन की घंटी बज जाए और उस पर कोई नाम भी ना दिखाई दे, यानी कि अननोन कॉल्स के झंझट से सभी परेशान रहते हैं। आपको ना चाहते हुए भी फोन उठाना पड़ जाता है, ये सोचकर कि पता नहीं किसका फोन होगा, हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। इस झंझट से छुटकारा दिलवाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से कॉल करते वक्त फोन में नाम आने के मामले पर सुझाव मांगे हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पहले इस मामले में सिफारिश मांगी गई थी, फिर बाद में ट्राई ने इस पर सभी स्टेक होल्डर्स से सलाह मांगी है। अपने कमेंट देने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को 27 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। इसके अलावा 10 जनवरी तक काउंटर कमेंट भी किया जा सकता है। सरकार जो नया टेलीकॉम बिल लाई है, उसमें ये बात कही गई है कि कस्टमर कभी भी किसी भी शख्स को फोन करता है तो सामने वाले व्यक्ति को कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा। इस सुविधा को देने के पीछे जो सरकार का मकसद है, वो उन लोगों पर नकेल कसने का है जो लोग आम आदमी को परेशान करते हैं। अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो हम सभी को ये पता चल जाएगा कि आखिर किसका कॉल आ रहा है। सरकार ने इसका प्रावधान टेलीकॉम बिल में भी किया है। सरकार इस सिस्टम के जरिए अलग अलग तरह से हो रहे फ्रॉड को रोकना चाहती है। इस सुविधा के आने के बाद माना ये भी जा रहा है कि स्पैम कॉल, जिसके चलते सभी लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, वो भी बंद हो जाएगी। अगर आप भी ट्राई को कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ट्राई ने एड्रेस भी जारी किया है ताकि आप इस मामले में अपनी राय दे सकें। ट्राई ने मेल आईडी advmn@trai.gov मेल आईडी advmn@trai.gov.in जारी किया है, जिस पर मेल करके अपने कमेंट सरकार तक भेजे जा सकते हैं। और अगर आप फोन से अपने सुझाव देना चाहते हैं तो 0112321042321 पर कॉल कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो सरकार ला रही है, उसमें कई तरह के फीचर को भी जोड़ा गया है जो आम जनता को अलग अलग कंपनियों से किए जाने वाले कॉल से बचाएगा। इसके अलावा सरकार टेलीकम्युनिकेशन में कई ऐसे प्रावधान भी लाई है जहां कंपनियां कस्टमर को बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड करा सके, जिसमें टावर के लिए परमिशन का मैटर भी है, जिसे सरकार ने अब सरल बना दिया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।